अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, जैसे कि आप जाते हैं ऑनर लिस्ट में, तो इधर आपको एक बड़ा इशू चल रहा है कि आपका ऑनर लीगल पर्सन है या नेचुरल पर्सन है। अगर तो आपके ऑनर के पास एमरस आईडी है तो वो होगा नेचुरल पर्सन, ठीक हो गया। जिस तरह ये एमरस आईडी का सैंपल मैंने आपके लिए अटैच किया, जिसके पास ये चीज़ है ऑनर के पास, वो होगा नेचुरल पर्सन। अगर ऑनर के पास कमर्शियल लाइसेंस है, ट्रेड लाइसेंस है, तो वो होगा लीगल पर्सन, क्योंकि वो लीगली फॉर्म एक पर्सन है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपका ये जो कन्फ्यूजन है कि लीगल पर्सन और नेचुरल पर्सन वाला, वो दूर हो जाएगा, क्योंकि मैंने इस पे आपके लिए पिक्चर भी ऐड की हुई है। अगर तो कमर्शियल लाइसेंस है, ट्रेड लाइसेंस है, किसी भी स्टेट का, अबू धाबी का, दुबई का, शारजा का, अजमान का, तो वो हो जाएगा लीगल पर्सन, ऑनर ऑफ कंपनी। अगर ऑनर ऑफ कंपनी, बाज केसेस में क्या होता है कि एक कंपनी है, लाइक एबीसी कंपनी है, उसने एक और कंपनी बनाई सीडीएफ, तो अब अगर एबीसी कंपनी सीडीएफ के शेयर अपने पास रखती है, तो जो सीडीएफ कंपनी है उसका ऑनर कौन सी कंपनी, कौन होगा? लीगल पर्सन, एबीसी कंपनी। मैंने मजीद इसको एक्सप्लेन कर दिया। तो मजीद मेरी ऐसी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।